अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और अब सोचें स्पेशल क्या है, ये सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स हैं। हम बहुत ही अच्छी क्लिनजिंग बनाएंगे। जहाँ तक अभी ये सब कुछ पॉलर्स वगैरह बंद हो चुके हैं और लॉकडाउन लग चुका है, अब पॉलर में जाके बंदा कोई ट्रीटमेंट कुछ करवा भी नहीं सकता। चेहरे पे ग्लो कैसे आए, स्किन फेयर कैसे हो, तो एक बार आप मेरे हाथों को देख लीजिए। इस पर हम ये वाली क्लिनजिंग लगाएंगे और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी रिजल्ट वाली क्लिनजिंग है। तो एक चम्मच हमारे पास एलोवेरा है और एक चम्मच योगर्ट के मतलब के दही है, हम इसको आपस में मिलाएंगे। दही जो है ना, एक चम्मच से हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब हाफ चम्मच को भी हाफ करें उतना ज़्यादा डालें। मम्मा मैं वीडियो बना रही हूँ, चुप हो जाओ। एक टीस्पून और वन चम्मच का हाफ होता है उससे भी हाफ, ठीक है, मतलब दही थोड़ा सा ज़्यादा हो। एलोवेरा हमने एक चम्मच लिया है। तो अब हम दोनों चीज़ों को मिला लेंगे। इसको हमें अच्छी तरीके से मिलाना है और आप देखेंगे इतना स्मूथ सा और इतना अच्छा पेस्ट सा बनेगा और इसकी बहुत ही अच्छी क्लिनजिंग होगी। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये एलोवेरा जो है ये हमारी स्किन को टाइट करेगा और जो सारी जो जम्स वगैरह हैं उनको हटाएगा, क्लीन करेगा, और दही हमारी स्किन पे ग्लो लाएगा, सॉफ्ट करेगा। और देखिए, और ये देखिए ऐसे जेल सा बन जाएगा, ये ऐसे मतलब के बहुत ही स्मूथ सा ही पेस्ट बनेगा। अभी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, हाथ बीच में आ रहे, सही से दिखाया भी नहीं जा रहा, बट आप जब बनाएंगे आप देखिएगा ये बहुत ही अच्छा पेस्ट बनेगा और ये आपकी स्किन को एकदम से फेयर कर देगा, स्मूथ कर देगा। और ये ईद के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। दूसरी क्लिनजिंग से अच्छा है कि बंदा घर में खुद क्लिनजिंग बनाए और वो भी इतनी सस्ते में, कोई महंगी भी नहीं है। बना रही बस दही चाहिए और एलोवेरा चाहिए। आजकल तो एलोवेरा हर किसी के घर में होता है, ये बहुत काम आता है एलोवेरा। और दही तो रमज़ान है तो दही तो हर किसी के घर में होगा। तो अब ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया और हम इसे हाथों पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह क्लिनजिंग करनी है तकरीबन 5 मिनट तक। इसको अच्छी तरह, जहाँ जहाँ आपके डार्क स्किन है वहाँ पे अच्छी तरह आप इसको मसाज करें और फिर आप देखेंगे, आप खुद बोलेंगे वाओ माई स्किन कैसी हो गई। तो 5 मिनट के बाद अब मैं आपको हाथ धोकर बताऊँगी कि कैसे हैं। अभी इसे थोड़ी देर हम क्लिनजिंग अच्छी तरह करेंगे जहाँ जहाँ हमारे डार्क सर्कल हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है और कितनी ज़्यादा हमारी स्किन फेयर हो गई है। आप एक बार ये करके देखें फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हाँ वाकई ये बहुत अच्छी क्लिनजिंग थी। इससे पहले मैंने खुद ट्राई किया और फिर उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाई है। तो बस हमने ये देखे, एक चम्मच एलोवेरा और एक चम्मच से थोड़े से ज़्यादा दही लेके मिक्स किया और इतनी अच्छी हमारी क्लिनजिंग बन गई। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करना तो भूलेगा ही मत। और मैं अपनी चैनल पे सिलाई की क्लासेस दे रही हूँ स्टिचिंग की, और अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी। उसमें बहुत ही इजी स्टेप में मैं सिखा रही हूँ। और आप मेरे हाथ देखिए कैसे वाइट वाइट हो गए, ग्लो कर रहे हैं, ऐसे सॉफ्ट हो गए हमारी स्किन। और एक और बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूँगी अगली बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।